बिलासपुर जिले में सीटों के मामले में हाशिए पर पहुंची भाजपा की नजर इस बार खास तौर पर हारे हुए प्रतिष्ठापूर्ण सीटों पर है। बीजेपी जीते हुए विधानसभा सीटों के साथ साथ हारे हुए सीटों को भी बीजेपी इस चुनाव में वापस पाना चाहती है, जिसके लिए वो जी जान से कोशिशों में जुटी हुई है। स्थानीय मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में भाजपा नेताओं के दौरे और चुनावी माहौल बनाने के लिए धरना प्रदर्शन और बिलासपुर से चार बार के विधायक रहे अमर अग्रवाल की हारी हुई सीट पर वापसी के लिए दिग्गज जुटे हुए हैं। सोमवार को नेहरू चौक पर आयोजित भाजपा के विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। इसमें स्थानीय मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा बोला। नारायण चंदेल भाजपा के पितृ पुरुष रहे दिवंगत लखीराम अग्रवाल के सिपहसालार माने जाने हैं। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वह जांजगीर चंपा के साथ बिलासपुर के नेता अमर अग्रवाल के चुनाव अभियान को प्रभारी बनाने लगातार प्रयास कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जिले की जीवनदायिनी अरपा नदी में चल रहे रेत उत्खनन के मुद्दे पर सीएम सहित कांग्रेसियों के विरुद्ध हमला तेज करते हुए कहा है कि प्रदेश में अवैध उत्खनन कांग्रेस के संरक्षण में चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेत उत्खनन के गड्ढों में डूबने से 17 और डायरिया से 5 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी मामले में दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है।